राम ना छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो चल रही लड़ीवार पावन बाणी दी विचार तिस लड़ी दे तहत शहीदां दे सिरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दी रसना तो उचारण किते हुए पावन शब्द दा पाठ सत्कार योग भाई साहिब होना पासों आपां सारयां ने सरवण किया है। गुरद्वारा साहिब दे अंदर जां देश विदेश घरां विच बैठे सरवण कर रहे सत संगी जनों आओ गुरु शब्द दीआं विचारां दी आरंभता करन तो पहला सारी संगत गुरु मर्यादा नूं मुख रखदिआं होइआं फतेह दी सांझ पाईए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज दे पावन पवित्र शब्द विच वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर दे आसरे दी गल कीती है। दुनिया दे अंदर जितने भी जीव जन्म लैके आए ने कोई ना कोई जीव किसी ना किसी चीज़ का आसरा बना के जिंदगी जिउंदा है। चाहे वह आसरा सदा रहण वाला होवे जां वह आसरा कुछ पल दा होवे पर आसरा तो हर एक ने किसी ना किसी नूं बनाया जरूर है। धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज दे पावन शब्द द्वारा अपने आप नूं विच रख के क्योंकि अपने आप नूं विच रखण दा अर्थ है गल अपनी कीती है पर नाल सिख्या सानूं दित्ती है। जिवें टीचर है ना वो जदों पढ़ाउंदा है तो अगे अगे बोलदा है वो जदों पंजाबी दी क्लास लाउंदा है तो बच्चियां नूं पढ़ाउण वक्त ऊड़ा भी कहिंदा है ऐड़ा भी कहिंदा है ईड़ी भी कहिंदा है। हुण कोई अणजाण बंदा ये कह लवे भी टीचर नूं ते आप नहीं आउंदा वो बच्चियां नूं की पढ़ा रहा है इहदा अर्थ ये नहीं कि टीचर नूं आउंदा नहीं वो मूँह इस करके बोल रहा है कि विद्यार्थी उहदे पिछे पिछे बोल सकण। गुरु पातशाह महाराज जी ने अपने आप ते गल्लां टुकाईयां ने जिथे अपने आप नूं विच रखिया उत्थे हां मैं लफ्ज़ दी वरतों कीती है हां मैं जां किते अपने आप नूं कहा कि जिवें भगत कबीर जी ने कहा हां अपराधी गुनाहगार हां बेमुख बंदा। भाई गुरदास जी ने कहा कदी बाबे कबीर जी दी रसना पढ़ के वेख लो कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया भव निध तरन तारन चिंता मन एक निमख नाए मन लाया गोबिंद हम ऐसे अपराधी। हुण अपने आप नूं विच रख के कहा भलिया सोची तू जिक्र मैं अपना कर रहा पर किते वेखी तेरे विच ये अपराध ते नहीं ये औगुण तू लैके जिंदगी ते नहीं जीव रहा। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने इत्थे ओट आसरे की गल की है। रहाओ दियां पंक्तियां ने प्रभ जी तेरी ओट गुसाई हे प्रभु जी अकाल पुरख जी तेरी ओट गुसाई गोदार्थ है धरती साई का अर्थ है मालक धरती का मालक किड़ी कमाल की गल है। आसरे ते सारे बनाउंदे ने पर धरती दे मालक नूं कोई आसरा नहीं बनाउंदा धरती ते वसण वालिआं नूं आसरे बना लैंदे। जिहड़ा धरती ते वस रिहा उह ते कदी वी नाश हो सकदा है पर जिहड़ा धरती दा मालक है उह कदी नाश नहीं होएगा। धरती वी नाश हो जाएगी पर धरती दा मालक नाश नहीं होएगा क्योंकि आदि सच है जुगाद सच है भी सच है नानक होसी भी सच उह सदीव काल सच्चा है। इस करके धन गुरु अर्जन साहिब महाराज बख्शिश करते हैं प्रभ जी
तेरी ओट गुसाई। हे प्रभु जी, मैं तुहाडी आस तकी है, तुहाडा ओट आसरा तकिया है। क्यों तकिया है? उहदे पिछे कारण है, तू समरथ शरण का दाता। तुसी समरथ हो ते शरण पै व्यक्ति नू दाता देण दी ताकत रखदे हो। आठ पहर तुद ध्याई, अठे पहर भाव जिंदगी दे हर पल मैं तुहाडा ध्यान धरदा हां, तुहाडे तो बिना जिंदगी जिउंदा नहीं। इहदा अर्थ इह होया कि दुनिया दे अंदर हर मनुख ने कोई ना कोई ओट आसरा बनाया है, पर सानू की सिखिया मिली इस शब्द विचों? हे भाई, जे धन गुरु अर्जन साहब महाराज जिंदगी जिउंदिआं ओट आसरा परमात्मा नू बणाउंदे ने, ते साडा भी प्रथम तौर ते फर्ज बणदा आधार आसरा वाहगुरु अकाल पुरख नू अपनी जिंदगी विच बनाया जाए। धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जदों बाबा लहणा जी ने उदों वैष्णो देवी दे घुंगरू बन के भी जाते ने, नचते ने, जिमें आम लोग यात्रावान करते वह भी करते हैं। पर जिस दिन उन्होंने गुरमति समझ लगी, 1532 ईस्वी के गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत की, उपदेश लिया, सिक्ख्या ली, तो जदों बाबा लहणा जी तो गुरु अंगद साहब वाला सफर तय कर लिया, तो धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने 63 श्लोक उचारण किए जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद ने। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी के संपूर्ण जिवें बाकी गुरुआं दे शब्द ने, चार चार बंदां दे शब्द नहीं, उन्हां दे श्लोक ने केवल 63 श्लोक। उन्हां श्लोकां विच इक श्लोक है ते मैं जदों उह श्लोक पढ़दा इंज महसूस हुंदा है गुरु अंगद साहब ने अपना अनुभव बयान किया, उन्होंने अपनी गल की, अपने आप नूं विच रख के कहा, आसरे की गल की कि सही कोई कोए, किसे नूं किसे दा ते किसे नूं किसे दा, किस ही कोई कोए, मंझ मैं निमाणी एक तू। मैनू निमाणी नूं जीव स्त्री दे रूप च बाणी लिखी है ना, मैनू निमाणी नूं केवल एक दा आसरा है, बाकी सारिआं नूं किसे नूं किसे दा, किसे नूं किसे दा, किसे नूं किसे। इह क्यों किहा? क्योंकि उस सफर विचों आप आए ने, उथों आप लंघ के आए ने ना। कहिंदे जिवें मैं भी कदी किसे दा आसरा तकदा सी, कदी किसे दा आसरा तकदा सी, इदां दुनिया ते बहुत ने मालक जी जिहड़े कदी किसे दा आसरा तकदे ने, कदी किसे दा आसरा तकदे ने, पर मैनू हुण तुहाडा ही है, मैं तुहाडा ही आसरा तकिया है। किस ही कोई कोए, मंझ निमाणी एक तू, क्यों ना मरी जै रोए, जा लग चेतना आवई, हर बिना जियो जल बल जाओ। हरी तो बिना जिंद सड़ बल जाती है, पता कितों लगा? मैं अपना गुरपूछ देखिया, अवर नाही थाओ, प्रभ जी तेरी ओट गुसाई। हे प्रभु जी, मैं तुहाडी ओट तकी है, आसरा तकिया है। जी की एक ही पैमानी, प्रभ जी तेरी ओट गुसाई। जी की एक ही पैमानी, अवर जतन, अवर जतन का अर्थ है रब दा आसरा छड़ के होर आसरे तकने, अवर जतन कर रहे बहु तेरे। महाराज की है उन्हां दी पाया की है जिहड़े रब छड़ के होर आसरे तकदे ने? तिन तिल नहीं कीमत जानी। तिल किन्ना क हुंदा है? बड़ा बरीक। कहिंदे तिल जिन्नी भी उन्हां दी कोई महत्ता नहीं, वैल्यू नहीं है, जिहड़े रब दा आसरा छड़ बैंदे ने, परमात्मा दा आसरा छड़ के ते दुनियावी आसरे तक लैंदे ने। वैसे तो आसरे असी भी तकते हाँ। बाबे कबीर जी ने बड़ी प्यारी गल कही अपने श्लोकों च, असी कई खुद गर्जी की जदों गल करते हैं स्वार्थ की, कई बार आप बच्चों की गल करते हैं, बच्चे किन्ने स्वार्थी ने, कभी अपने परिवार च ध्यान मार के वेखना,
जिस दिन साढ़े पुत्र धी नूं साडी कोई जरूरत ज्यादा होएगी उस दिन साडी गल भी ज्यादा मनणगे, आपे पानी लैके आउणगे, आपे लागे लागे माता पिता दे तुरे फिरनगे। सानूं पता होंदा अज इहनूं कुछ चाहीदा होणा, अज इहनूं किसे दी चीज़ की जरूरत होनी है। इहनूं आपां खुद गर्ज कहिंदे आं, आपां कहिंदे स्वार्थ है, स्वार्थ करके लागे लागे तुरिया फिरदा, अगों पिछों ते पानी मंगिया नहीं दिंदा। अज पानी आपे ही लैके आ गया, अगों पिछों ते जे कितें पिता दियां लत्तां दुखदियां होण, माता का सिर दर्द करता हो, धी कोल आ के नहीं बहिंदी, अज आपे ही धी पुछ रही है। इहदा अर्थ इहनूं किसे चीज़ की जरूरत होनी है, कोई मंग है। यह केवल दुनिया ते ही है नहीं, धर्म विच भी है। कबीर काम पर हर सिमरी है, जदों बंदे नूं काम पैंदा किवें रब चेते करदा, थोड़ा जिहा ध्यान मारो। खां जदों पुत नहीं होया किदां पाठ किए जाते हैं, चाली चाली दिन दुकान नहीं चलती किदां पाठ किए जाते हैं, कोई कारोबार बिजनेस चलाना किवें पाठ किए जाते हैं। बस बिजनेस व्यापार होने की लोड़ एक बार आरंभ हो जाए, फिर कई बार घर चों बाणी दियां पोथियां भी नहीं लभदियां। क्यों? काम पर हर सिमरी है, नाले एक लफ्ज गया, ऐसा सिमरो नित। कहिंदे जदों काम पैंदा, जे बच्चा लोड़ पैण ते मां बाप की गल मने ते मां बाप नूं पता लग जांदा ना खुद गर्ज स्वार्थी है, ते मां बाप ये गल कहिंदे पुत तू स्वार्थ करके जो, खुद गर्ज करके जो, तू साडे कोल आउणा तू बिना खुद गर्जी तो स्वार्थ तो रहत हो के साडे कोल आ पुत, सारा कुछ ही तेरा है, मैं तेरे तो लुकोया की है, मैं सारा कुछ तेनू दे जाना, बच्चिया मैं नाल लैके नहीं मरना, तेरा ही है सब कुछ। बच्चियां मां बाप कहिंदे पुत खुद गर्जी स्वार्थ त्याग दे। कबीर काम पर हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित। बाबा कबीर जी फिर की मिलेगा? अमरापुर बासा करो, अमर अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जे तेनू बिना काम तो भी रब याद करना आ गया, भी अज रब जी मैं मंगन कुछ नहीं आया, मैं सिर्फ तुहाडा धन्नवाद करन आया, तुसां मैनूं बहुत कुछ दिता, मेरी औकात नहीं सी जो तुसां मैनूं दे दिता है, मेरी कोई औकात नहीं सी। असीं तां चतार नौने आं, मेरी तां बहुत ज्यादा औकात सी, रब जी दिता की है मैनूं। जिस दिन यह चेता आ गया मेरी औकात नहीं सी जो दे दिता, फिर शुकराना ही निकलेगा, फिर अरदास ही निकलेगी मूँह विचों, फिर लंबे पैण नूं चित करेगा गुरु अगे, दाता जी मैं डंडौत करदा हाँ, तुहाडा धन्नवाद करदा, तुसां बहुत कुछ दिता है मैनूं, मैं इस चीज़ के लायक नहीं सी, शरीर सोहना दिता है मैनूं, परिवार दिता है, कुटुंब दिता है, किन्ना कुछ बख्शिश किया है। अज इंसान शिकवियां नाल गिलियां नाल भरिया पिया है। अमरापुर बासा करो, हर गया बोर है बित, बित दा अर्थ हुंदा खजाना। बिना काम तो रब नूं याद करांगे ना, जिहड़ा साडे अंदर कीमती खजाना गुणा दा साडे कोलों गवाच गया सी, रब वापस मोड़ के लिया देवेगा, कहेगा आ भलिया तू तो इस खजाने का मालिक सै। पर कदों? जदों ओ टासरा केवल एक परमात्मा का होएगा, परमात्मा तो बिना किसी होर का ओ टासरा नहीं टकांगे। गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, करता तू मेरा जजमान। हे करता काल पुरख जी, तुसी मेरे जजमान हो। जजमान का अर्थ की हुंदा है? जो ब्राह्मण कोई हवन करता सी, कोई जग करता सी, वो जजमान कोलों वस्तुआं लैंदा सी, उहदे वास्ते चौल, उहदे वास्ते उहनूं आटे की लोड़ पैंदी सी, घिओ की लोड़ पैंदी सी, दुध की लोड़ पैंदी सी, कपड़े की लोड़ पैंदी सी, मंगदा सी ना, सारिया वस्तुआं मंगियां इस शब्द विच, पर किसी बंदे कोल नहीं, करते जजमान कोलों। असी बंदियां कोलों मंगदे, फर्क यह है। गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे, करता तू मेरा जजमान। हे करता काल पुरख, तुसी मेरे जजमान हो, ते मैं तुहाडे कोलों की मंगदा? मैं एक वस्तु मंगदा, मैं बार बार चीजां नहीं मंगदा। एक दखना हों तै पै मांगो, दे अपना नाम। करता तू मेरा जजमान,
एक दखना हाँ तै पै मांगो दे अपना नाम प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुद त्याई करता तू मेरा जजमान। अज फर्क यह पै गया सी बंदिया नू अपने जजमान बना लिया। गुर प्रसादी विद्या विचार है पढ़ पढ़ पावे मान। जदों तू गुरु की कृपा दे नाल परमात्मा दे सिमरन दी इबादत दी विद्या नू विचारेगा फिर की होएगा आपा मदे आप प्रगासिया अपने विचों आपा आप प्रकाश होएगा। अजे तेरे विचों अपना आप दिखाई दिंदा अजे तेरे विचों तां पशु दिखाई देंदे ने गुरु नू। गुरु जी कहिंदे करतूत पशु की मानस जात बनाया तेनू मनुख सी पर तू मनुखा वांगू ते रहिंदा ही नहीं बनाया ते तेनू इंसान सी ओ पलिया इंसाना वांगू ते रहना तू सिखिया ही नहीं तेरे अंदर तां कई पशु तुरे फिरदे ने। तेरे विचों इंसान प्रगट होना सी इंसानियत प्रगट होनी सी पर कदों जदों तू एक नाल जुड़दा आपा मदे आप परगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान। आ नाम जपण की परिभाषा सुन लो भागा वाले हो क्योंकि एक दखना तै पे मांगू दे अपना नाम। नाम विच की कुछ आउंदा है नाम विच आ वस्तुआं आ गई पंच तस्कर धावत राखे जेडे पांच वकार बाहर भजे फिरदे सी इन्हां नूं रोक लिया हुण कंट्रोल कर लिया अपने अधीन कर लिया। पंच तस्कर धावत राखे चूका मन अभिमान मन का अहंकार दूर हो गया क्योंकि करता तू मेरा जजमान। दृष्टि विकारी विकारी दृष्टि मुक गई हुण नाम जपण तो बाद यह तब्दीली आ गई है। दृष्टि विकारी दुरमत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान यह है ब्रह्म का ज्ञान यह है ब्रह्म ज्ञानी बनना यह है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ऐसा ब्रह्म ज्ञान। ते महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहणगे रब जी मैं तुहाडे नाम का जग कीता ते जग वास्ते जिहड़ियां जिहड़ियां वस्तुआं ब्राह्मण नूं चाहीदियां मैनू भी चाहीदियां मैनू आ दिओ। जत सत चावल मेरा मन बुरे काम ना करे मैं जत दा पक्का रवां ये मेरे वास्ते चौल होण चौल नहीं चाहीदे मैनू मैं मन नूं वकारां तों बचा सकां। कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत जिहड़ी जोगी ने गल कही इत्थे गुरु साहब ने इंज कही जत सत चावल मैनू जग जिवें जग वास्ते चौल चाहीदे ने मैं तुहाडे नाम दा जग जो कीता है मैनू उच्चा किरदार चाहीदा उच्चा करैक्टर चाहीदा जत पहारा मैनू अपने जीवन दे विच विशे वकारां तों मन नूं बचा के रखा मेरे वास्ते इहो ही चौल रहे। जत सत चावल दया कणक कर मैनू कणक नहीं चाहीदी मेरे अंदर दया पैदा हो जाए इहो ही कणक है मेरे वास्ते। जत पर वेखो कित्थे चले गए असीं इत्थे गुरु नानक साहब नाम का जाग कर रहे साडे इत्थे मीह ना ना पैंदा होवे गुरुद्वारियां च अखंड पाठ रख दिंदे जी हुण इंद्र देवते नूं खुश करना असीं इंद्र देवते नूं अरदास करनी है जी मीह पै जाएगा जिहड़ा इंद्र दा भी बापू है उहदे अगे अरदास करो जिहड़ा इंद्र दा भी मालक है जिहड़ा उहनूं पैदा करन वाला काल पुरख अगे बेनती करो पर असीं देवी देवतियां दे पिछे तुर पए कोई किसे नूं मन रिहा कोई किसे नूं मन रिहा आपो तापी होए कि न्यारे न्यारे धर्म चलावे अपने अपनी मर्जी नाल अपने अपने देवी देवते ते रब पैदा कर रहे पर सानू असली जग ना करना है साडी अज्ञानता है साडी ना समझी है बेसमझी है अज्ञानता विचों इह चीज़ां ने जन्म लिया है। धन गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश करदे ने जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती धाना। रब जी पैसा भी चाहिदा
हवन वास्ते जग वास्ते तुहाडी प्राप्ति ही मेरे वास्ते तन है। तुसी मैनू प्राप्त हो जाओ ना, प्राप्त पाती ताना। दुध भी चाहिए, घ्यो भी चाहिए, वह की है दूध करम, दूध करम संतोख की हुकार। मेरा रोज का काम जड़ा है ना दुध वर्गा चिट्टा हो जाए, मेरे काम दुध वर्गे सफेद हो जाए। भाई लालो दियां फोटोआं वेखदे हुंदे सी ना, भावें मनोकल्पिती ने, भी लालो दी रोटी नप्पी विच्चों दुध निकलिया, मलक भागो दी रोटी नप्पी विच्चों खून निकलिया। गुरु नानक साहब रोटियां चो खून ते दुध कढ़न नहीं सी आए, संकेत दित्ता लालो दी कमाई दुध वर्गी चिट्टी, लालो दी कमाई दुध वर्गी सफेद है। बाणी च लिखिया है ना, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध को जावो। दूध की है, दूध करम तेरी सवेर तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सवेर तक कीती हुई कमाई दूध वर्गी सफेद होवे, विच दाग कोई ना होवे। दूध करम एक कमाई होवे तेरी, इत्थे भी यो मांग कीती ते फिर उस दूध नू गर्म भी करना है, जाग भी लाउणी है। दूध करम फुन सुरत समायणा, जुड़ी हुई सुरत उस दुध नू जाग लाउणी है। ते भागा वाले घरां च सियाणियां मावां बैठियां ने, भैणा बैठियां सुन रही होणगियां, दुध नू जाग लाउणा हारी सारी इंसान दा काम नहीं है। अणजाण बंदा ते दुध नू जाग ला ही नहीं सकदा, ना अणजाण बीबी ला सकदी है। पता हुंदा किन्ना टैंपरेचर चाहीदा दुध दा, किन्नी हीट चाहिए है, किन्ना दुध गर्म चाहिए, किन्ना खट्टा लाउणा है। हुण दुध कई बार 10 किलो हुंदा है, 10 किलो जाग थोड़ा लाई दी, उहनूं जाग तो थोड़ी जी लाउणी है। वध लागी तो दही खट्टा बनेगा, घट लगी तो दही पतला बनेगा। जे चाहुंदे आ बर्फी दे पीस वांग दही जम जाए, उहदे वास्ते जाग उहदे मुताबक लगेगी। कमाई दुध है, जुड़ी हुई सुरत उस कमाई नूं जाग लाउणी है। जे सुरत टुट गई प्यारिया, दुध दा दही नहीं बनेगा, ते दही नहीं बनेगा ते मक्खन नहीं निकलेगा। अज सुरत नहीं ना जुड़ी। दूध करम फुन सुरत समाए, जेड़े कहिंदे ना जी सुरत जोड़नी आ बह के, असी कोई चौंगड़ा मार के जोड़दा, कोई न्योली कर्म करदा, कोई इड़ा कोई सुखमना। सुरत जोड़न दा अर्थ है जदों तू अपने अहुदे ते बैठा होवे, उस अहुदे की सही वरतों करनी सुरत जोड़नी है। जिथे भी बैठा, जिथे जिस इंसान ते जिस जगह ते भी बैठा, उत्थे अपनी सोच पवित्र कर लै, काम निर्मल कर लै, अपने फर्ज पहचान लै। एहो ही परमात्मा दा नाम जपना है, सुरत जोड़नी है। दूध करम फुन सुरत समायणा, होए निरास जमावो जपो ता एको नामा, अवरन राफल कामा। ए मन ईटी, इस मन नू ईटियां बना लो। ईटी हुंदी है ना नेत्रे दे बन्ने नाल, एक गुलियां हुंदियां जिहड़ियां हाथ च फड़ के मधाणी नू गिड़दियां ने, ओ ईटी कहिंदे उहनू। ईटी मन नू ईटी बना के कंट्रोल कर। ए मन ईटी हाथ करो फोना, नेत्रो, इनू नेत्रों नहीं पढ़ना, इतने नेत्रों पढ़ांगे तो अखां बन जाएंगे, इतने नेत्रो, नेत्रो का अर्थ है नेत्रा, नेत्र का अर्थ है वह रस्सी जड़ी मधाणी दे बन्ने बन्ने लपेटी जाती है। नेत्रो नींद ना आवे, मन वकाला विच सौवे ना, यह उस मधाणी दे बन्ने बन्ने नेत्रा होवे। इहो गल गुरु नानक साहिब ने इत्थे कही। दूध करम संतोख की हुकार, महाराज मैनू संतोख बख्शो। ए नाम दे जग वास्ते क्यों है, नेक कमाई दुध है। दूध करम, कदी गुरु अगे आण के भी अरदास कीती, महाराज असी पदार्थ मंगदे, महाराज मैनू नेक कमाई करन दी ताकत बख्श। दाता जी मैं अदालत विच बैठा जज हाँ, बहुत जिंदगी च गलत फैसले किए ने, मैं पैसे बदले अपने बच्चों लिए, मैं एडवोकेट हाँ, दाता जी मैं वकील हाँ, मेरे मां बाप ने पढ़ा लिखा के मैनू वकील बनाया, पर मैं बहुत गलत जड़िया वकालत कीतियां, बहुत गलत केस लड़े ने, मैनू पता भी सी ये बंदा गलत है, पर उहदे हक विच पैसे लेके मुकदमा लड़िया। दाता जी तुहाडे कोलों सुख शांति मंगदा रहा,
दाता जी मैं पुलिस अफसर हाँ, दाता जी मैं तुहाड़े कोलों बहुत कुछ मंगया पर नेक जीवन ना तुहाड़े कोलों मंगया, मैं स्कूल विच प्रिंसीपल हाँ, मैं स्कूल विच हर बंदा अपनी जगह ते बैठा पलिया नेक आचरण मंग गुरु कोलों, नेक कमाई मंग गुरु कोलों, नेक विचार मंग ताकि तेरे दुनिया ते जाण तो बाद लोग तेरे जीवन दियां उदाहरणां दे सकण। दुनिया ते मनुख तां बहुत आए पर उहदे वर्गा नेक कोई टावां टावां ही आउंदा है, कोई विरला ही पैदा हुंदा है। याद तां लोग करदे ने माड़े नूं वी, लोग माड़े नूं वी याद करदे ने, पर किस कारण करदे ने वी उहदे वर्गा ना बणे उह। याद ते माड़ा वी हुंदा ही है पर लोग जदों वी दलीलां दिंदे कहिंदे उहदे वर्गा ना बणे, उहदे ते लोग परछावें तों वी डरदे सन। दूध करम संतोख की हुकार ऐसा मांगो दान, ये मैं दान मंगदा हाँ तुहाडे कोलों। अगे गां भी चाहीदी है, खिमा धीरज कर गऊ लवेरी। दाता जी मैं तुहाडे कोलों जरन शक्ति मंगदा, धीरज मंगदा, ये मेरे वास्ते लवेरी गां होवे। ते वछा कौन है मन, सहजे बछरा खीर पिए, मन रूपी वछा धीरज रूपी गां दा दुध पीवे ताकि मेरा मन धीरज विच रह सके, इच धीरज आवे। ते कपड़ा भी चाहिदा हवन वास्ते, कपड़ा भी ते चाहिदा जग वास्ते। कपड़ा केड़ा जी, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रहे करता, तू मेरा जजमान प्रभ जी तेरी ओट गुसाई। इथे आसरे की गल कीती, भरोसे की गल कीती, विश्वास की गल कीती। सत्कारयोग भाई गुरदास जी ने जदों कवित लिखे ने उन्हां कवितां विच एक कवित उचारण किया, जिहड़े इंसान अपने गुरु ते रब नूं भुल के पासे भटकदे ने उन्हां नूं समझाउण लई तीन उदाहरणां दुनियावी दित्तियां। हैरान हो जाइदा है जदों इंसान दा रब नाल प्रेम प्रगट करन दी गल कीती, उदों वी जानवरां दियां, पंछियां दियां, दरख्तां दियां, सरोवरां दियां, समुंदरां दियां उदाहरणां दित्तियां है। बंदे नूं समझाउण लई कुदरत विच्चों जो कुछ वरत रहा उहदियां उदाहरणां दे दे के मनुख नूं समझाया। भाई गुरदास जी लिखदे ने, मान सर त्याग आन सर जाए बैठे हंस। ये मन्या गया कि जिहड़ा हंस है वह केवल मोतियां की खुराक खांदा है ते मान सरोवर तो बिना किसी होर जगह ते जांदा नहीं। भाई गुरदास जी लिखते ने कहिंदे मान सरोवर ते जाण वाला हंस, मोती खाण वाला हंस अज मान सरोवर नूं छड़ के ते छप्पड़ां ते जाके डड्डियां मच्छियां खाण लग पिया, आम जीव जंतु खाण लग पिया। मान सर त्याग आन सर जाए बैठे हंस, खाए जल जंत, उथे जाके जल दे जंतु खाण लग पिया, जल दे जीव खाण लग पिया। खाए जल जंत हंस बंस लजावई। कहण लगे जदों लोकां ने हंस नूं जल जंतु खांदे वेखिया ते किसे ने आण के पुछिया, भाई तू कौन है? कहिंदा मैं हंस हां। कहिंदे नहीं, तू हंस नहीं हो सकदा, हंस तां मान सरोवर तो बिना किते होर जांदा ही नहीं सी, तू हंस नहीं। फिर उन्हें अग्गों दावा किया, नहीं मैं हंस हां, यकीन करो मैं हंस हां, मैं हंसा कर जन्म लिया है। अगे पुछण वाले ने हंस नूं फिर कहा, जे तू वाकया हंस है, तू दावा करदा हंस है, फिर प्यारिया तू अपनी कुल नूं दाग लवा दिता, ओ तेरे ते पुरखे मान सरोवर तो बिना किते होर जांदे ही नहीं सन, फिर तू अपनी कुल नूं कलंकित करता। जे ते तू हंस है फिर ते बड़ा माड़ा काम कीते, क्योंकि जे तू हंस ना हुंदा फिर भावें जिथे मर्जी चला जांदा, सानूं कोई इतराज नहीं। पर तू हंस भी अखवाना है ते छप्पड़ ते भी जाना है, आम गडोए ते डड्डियां मच्छियां भी खाना है, फिर तू दोवां चों एक गल मन, जां ते तू हंस नहीं, जे तू हंस है ते फिर तू अपनी कुल नूं दाग ला लिया है, तू अपने पुरखियां दा सिर नीवा कीता है।
दूसरी उदाहरण भाई साहब ने मच्छी दी दिती है, मच्छी पानी तो बिना रहिंदी नहीं। भाई गुरदास ने लिखिया मच्छी दे परिवार वांग, लफ्ज परिवार आया भी ये नहीं भी एक मच्छी पानी च रहिंदी है दूजा परिवार बागी हो जाए पानी तो, परिवार लफ्ज आया। मच्छी का परिवार जदों दुनिया बनी सी उदों भी पानी च रहिंदा सी, जदों दुनिया नाश होएगी उदों तक पानी उहदा जीवन रहेगा। सिक्खी की उदाहरण दिती कि मच्छी का जीवन पानी है, गुरु क्या सिखा तेरे परिवार का जीवन बाणी है, गुरु की बाणी है, बागी हो जा, बागी हो जा, वापस परत के आना पैना। गोरियां बारे कहने ना उन्होंने बच्चे इधर आने तैयार हो गए। मैं एक उदाहरण दिना हूं, वो पत्थर चट आए ने असी अजे चट्टन जा रहे हैं, फर्क है। जिवें मच्छी की उदाहरण होंगी ना भी मच्छी पत्थर चट के वापस आती है, असी अजे वह कल्चर अडोप्ट कर रहे हैं, असी वह चीजा अजे वेख रहे हैं, वह वेख आए उन्होंने पता लग गया इतने कुछ नहीं। जे जिंदगी च वधिया इंसान बनना है तो गुरु की मत लैके जिंदगी जियो, गुरु का उपदेश लो। साडे बच्चे बागी क्यों होए? क्योंकि असी समझा नहीं पाए, असी विचार नहीं दे पाए कि गुरमत किड्डी निराली ते निवेखली विचार है जिहड़ी हर वक्त समाज की अगवाई करती है। भाई गुरदास जी ने मच्छी की उदाहरण दिती, सलल बिसो पै, सलल कहिंदे पानी नूं, बिसो कहिंदे विछड़ना। सलल बिसो पै जियत जो रह मीना, मच्छी पानी विच्चों बाहर रह के जीउंदी है। किसी ने आण के मच्छी नूं पुछया तू कौन है, मच्छी ने कहा मैं मच्छी हाँ। पुछण वाले ने कहा नहीं तू मच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मच्छी ते पानी तो बाहर तड़फदी है, पर तेरा तो तड़फना ही बंद हो गया, तू मच्छी नहीं है। उन्हें कहा नहीं मैं मच्छी हाँ, यकीन कर तेनों मेरा रूप नहीं दिख रहा मैं मच्छी हाँ। उन्हें कहा जे ते तू मच्छी है फिर तू बड़ा माड़ा काम किया, बहुत माड़ा किया है, पर ये तेरे वाल वेख के तां धर्म की व्याख्या करने वाले ने तेरे प्यार दियां उदाहरणां दित्तियां, जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे है, बूंद भी होना चातर क्यों कर तृप्तावे है। मछिए जे ते तू मछी है फिर बड़ा माड़ा काम किया है, तू पानी तो बिना मर जाती सी, अज तू जिंदी तुरी फिरदी है, तू कह भी रही है मैं मछी हाँ, जे ते तू मछी है फिर यह पक्की गल है तू अपनी कुल नूं दाग लवा दिता, क्योंकि पानी तो बिना तू जिंदी तुरी फिरदी है। सलल बिसो पै जियत जो रह मीना, कपट स्नेक है स्नेही ना कहावई, ओदा प्रेम कपटी अखवाएगा कपटने फरेबने। तू लोकां नूं कहनी मैं मच्छियां पर पानी तो बगैर तुरी फिरदी है, पानी ते तेरे नेड़े तेड़े भी नहीं। तीजी उदाहरण भाई साहब ने दिती चातरक दी, बबीहे दी। बबीहा एक ऐसा पंछी है जिन्हों केवल स्वांती बूंद चाहिए है, उहदे वास्ते आ सरोवर दरिया समुंदर नदियां नाले टोबे पानी बहुत है पर नहीं पींदा। बिन घन बूंद, घन कहिंदे बदल नूं, आकाश चों डिगी हुई कणी ही स्वांती बूंद उहदे वास्ते उहदा जीवन है, बाकी नहीं, भावें छे महीने वर्खा ना पवे। बिन घन बूंद अनंत जल पान करे, छड़ के स्वांती बूंद बबीहाज दूजा जल पान कर लग पिया, दरिया का पानी पीण लग पिया, टोबे का पानी पीण लग गया। पुछण वाले ने फिर बबीहे ते भी सवाल किया तू कौन है, मैं बबीहा नहीं, तू बबीहा नहीं हो सकता। भलिया बबीहे बारे ते मैं सुनता आया, वो ते स्वांती बूंद तो बिना मर जाता भावें साल मीह ना पवे, तू अज स्वांती बूंद का इंतजार ही नहीं किया, तू छपड़ा का पानी पींदा फिर, तू बबीहा नहीं हो सकता। उन्हें आख्या यकीन कर मैं बबीहा, तेनों मेरे अंग नहीं दिस रहे बबीहे वर्गे, मेरा रूप वेख मैं बबीहे वर्गा, बबीहा औलाद हाँ बबीहे दी। कहिंदे जे ते तू पक्का बबीहा है चातरक है फिर तू कुल नूं दाग लवा लिया, क्योंकि स्वांती बूंद तो बिना बबीहा मर जाता सी, पर तू ते तुरिया फिरदा है उड रहा है, तू अपनी कुल नूं दाग ला लिया। बिन कन बूंद अनंत जल पान करे, चातरक संतान बिखे लाछन लगावई, चातरकां दी संतान विच लक्षण लग गया, दाग लग गया। ये तीन उदाहरण भाई साहब किन्हां वास्ते दित्तियां तुसीं? मेरे वास्ते, गुरु प्यारे हो, घरां च बैठे सरवण करन वाले हो, साडे वास्ते।
कि सिख गुरु तो बिना अकाल पुरख तो बिना किसी दूजे अगे सिर नहीं सी चुका। जदों तो गुरु की विचार होंद विच आई है, जिमें मच्छी वास्ते पानी उहदा जीवन है, मान सरोवर के मोती खुराक ने हंस की, बबीहे की जिंद जान है समांती बूंद, सिखा गुरु की मत गुरु का उपदेश तेरे वास्ते इंज है जिमें मच्छी वास्ते पानी, बबीहे वास्ते स्वांती बूंद, जिमें मान सरोवर से जाने वाले हंस वास्ते मोती खुराक उहदी जिंद जान है, इदां तेरे वास्ते सतगुर की बाणी सी। सवाल करन वाले ने वह सवाल एक व्यक्ति ते कीता जिहड़ा गुरु नूं छड के पासे मत्थे टेकण जा रहा, किसे मड़ी ते किसे कबर ते किसे बाबे दे पैरां च। पुछण वाले पुछया, भाई तू कौन? मैं गुरु दा सिख। मैं सिख? कहिंदे ना ना ना, तू सिख नहीं हो सकदा, सिख तां गुरु तो बिना किसी होर अगे सिर झुकाउंदा ही नहीं। गुरु दा सिर केवल गुरु अगे झुकदा है, सिख दा केवल सिर गुरु अगे झुकदा है। ते रोज असी पढ़दे हां, आ गया पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सिख तां केवल गुरु अगे सजदा करदा है। तू कौन है? मैं सिख। कदी जाके वेखना डेरेदारां दे पखंडियां दे अगे मत्था टेकण वाला भी कदी ये नहीं कहिंदा मैं सिख नहीं हां, वह भी कहिंदा मैं सिख हां। वीरवार कबल कबर दे उपर तेल चढ़ाउण वाला दीवा जगाउण वाले नूं पुछो तू कौन है? मैं सिख हां। शनिवार मंदिर दे विच छोलियां दा प्रसाद लैके जाण वाले नूं पुछो तू कौन है? मैं सिख हां। गुट नाल लाल धागा बद्धा जोशी कोलों पुछ के पुछो कौन है? मैं सिख हां। मुंदरी पाउण वाला ज्योतिषी कोलों पुछो कौन है? मैं सिख हां। नहर विच नारियल रोड़न वाला कौन है? मैं सिख हां। जगराते कराउण वाला हवन कराउण वाला पुछो कौन? कहिंदा मैं सिख हां। वोटां बदले डेरेदारां को जाण वाला कौन है? मैं सिख हां। जिवें बाकी लोग मत्थे टेकदे मैं भी टेकदा, कौन है? मैं सिख हां। सियासी लोग जांदे ने, धार्मिक लोग भी जाण लग पए, फर्क ही रह गया। सियासी लोग जांदे, धर्मी भी जाण लग, कौन है? मैं सिख हां। नहीं पिया रहा, मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी कह रहे ने, जे ते तू किसे पखंडी कोल किसे मड़ी मसान ते चला गया है, जे ते तू सिख हुंदा फिर ते पक्की गल है तू उथे जाना नहीं सी, जे तू चला गया है ते नाल सिख खवा रहा है फिर तू अपनी कुल नू दाग लवा लिया। वो पलिया तेरे तां पुरखे आरिया नाल चरवाए गए, तेरे तां पुरखियां दे बंद बंद कटे गए, तेरिया ते वड्डियां वडेरियां नू देगा च उबाल दिता गया, तेरिया ते वड्डियां दियां जिहड़ियां ने खोपरियां उतारियां गईयां उन्हां सामने चुनौतियां सवाल रखे गए, उन्हां दे अंदरों इक्को आवाज आई, सिर कलम हो जाएगा पर सिर गुरु तो बिना किसी दूजे दे दर ते जाके चुकेगा नहीं। सोच के वेख बाणी विच किन्ने वजनदार बचन कहे ने, बार पराए बैसना, बाबे फरीद जी ने कहा, फरीदा बार पराए बैसना, साई मुझे ना दे जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले। जिंद नू कढ लई पहला ही दूजे दे दर ते कलण तो, जिंद कढ लई, जिउंदा ते नहीं जाना चाहुंदा। अज लाशां नहीं तुरियां फिरदियां, किन्नियां लाशां तुरियां फिरदियां ने, किवें दर दर ते जाके सिर झुकाया जांदा है कुछ स्वार्थ बदले। कदी सोच के वेखो भलिओ, सतगुर ने किड्डी वडमुली विचार दित्ती सी सानू। भाई गुरदास जी ने कहा, जे हंस नू पुछणगे लोक, मच्छी नू पुछणगे लोक, बबीहे नू पुछणगे लोक, ते पुछणा लोकां ने तैनू वी है। तेरे तां पुरखे बहुत वडमुली जीवन वाले सन, उहनां दीआं लोक उदाहरणां दिंदे, ओह भलिआ तूं ते थां थां ते सिर झुकाउण वाला बण गिआ, थां थां ते सिजदा करन वाला बन गया। बाबे कबीर जी ने कहा, कबीर सुख ना ए जोग, करें जो बहुते मीत। जेड़े बहुते मित्र बना लेंदे ने जिंदगी चो सुख अलोप हो जाता है। जो चित राखें एक स्यों, ते सुख पावें नीत। नित सुखी ओ ही रहिंदे जिन्हां नूं एक ते भरोसा है, एक ते विश्वास है, जिन्हां ने एक नूं अपनी जिंदगी दा आधार बनाया है, जिहड़े एक तो बिना किसी दूजे अगे सिजदा नहीं करदे।
पर किन्ने कच्चे हैं असी, किन्नी छेती डोल जाने हाँ। कई कहेंगे चलो जाने भावें असी बाबियां कोल हैं, जोड़दे तो वह भी सानू गुरु नाल ही ने। मेरा सवाल है उन्हें स्रोतियां अगे जे बाबियां कोल पखंडियां कोल देहधारियां कोल जाते हैं कि कभी बाबे ने गुरु ग्रंथ साहब चो उपदेश पढ़ के दिता भी आ नाल लै जाओ भी गुरबाणी कहती है गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे पन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ न पग, ये उपदेश नाल लै जाओ। गुरबाणी कहती है मानस खाने करे नवाज श्री गगायन तिन गल ताग, ये नाल लै जाओ। कभी पढ़ के सुनाया गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश सिर्फ दुनिया नू चुप कराने लई है कि ये गुरु नाल जुड़ते हैं उपदेश तो अपना दे के तोरते हैं। स्रोतियां नू हक है सवाल करन दा कि एक भी गल विखा दिओ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब नाल मेल खांदी होवे, गुरु ग्रंथ साहब दे सिद्धांत नाल मेल खांदी होवे। गुरु ग्रंथ साहब दे सिद्धांत उल्ट क्यों? क्योंकि असी बहुते मित्र बना लए, ज्यादियां नू अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। भाई गुरदास जी ने जिहड़ी गल कही कहण लगे जे सवाल मच्छी ते हंस ते कीता जा सकता है पलिया थां थां ते सिर चुकाउण वालिया, यह सवाल तेरे वास्ते भी उदां ही होएगा। अज के पावन शब्द में यहो उपदेश बख्शिश किया है, यहो विचार दिती है धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने। हे मालिक जी मैनू तुहाडा आसरा है, तुहाडा भरोसा है। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई, हे प्रभु जी, हे धरती दे मालक गुसाई परमात्मा जी, मैं तुहानू अपना आधार बनाया है। तू समर्थ शरण कहां दाता, तुसी समर्थ हो, सब ताकतां दे मालक हो। आठ पहर तुद त्याई, अठे पहर मैं तुहानू त्यौंदा हाँ, तुहाडी गल मनदा हाँ, तुहाडे उपदेश नू जिंदगी दा आधार बनाउंदा हाँ, ये गुरु अर्जन साहब जी कह रहे हैं। ते जिस रब की गल की उस रब की व्याख्या भी की, करना करावण हर अंतर जामी, सब कुछ करन कारण की समर्था रखते ने वह अकाल पुरख अंतर जामी, सारिया के अंदर की जानन वाले। जन अपने की रख है, वह अपने सेवक की अपने जन की रख लेंदे ने। की रखते ने? बुरिया कामों तो बचाते ने, जिमें बाणी च लिखा है ना, गुरपुरै मेरी रख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, ताती वाओ ना लगाई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। परमात्मा दा निजम ओदी मर्यादा, सिखा जी ओदे अंदर अंदर रवेगा दुख नहीं लगनगे। केड़ा दुख? विशियां वकारां दा दुख। शरीर दे दुख सुख तां बने ही ने, ये तां हंडाउणे पैणे ने, पर मन नहीं दुखी होएगा, मन चढ़दी कला विच होएगा। मन कदी डावां डोल, साडे वास्ते दुख है पुत दी लाश वेखणा, यह दुख ना विखाई रब्बा मैनू, यह दुख ना विखाई। जे ये दुख है तो फिर उन्हां भैणां दी गिणती किस कतार विच करोगे जिन्हां भैणां दे बच्चियां दे टुकड़े करके गलां विच हार पाए गए ने। उन्हां भैणां नूं पता सी पुत दी लाश वेखना दुख नहीं। मालक जी ते इम्तिहान है, तुसी परचा पाया है, असी धियां बच्चियां पास कर जाना है, दुख ते तुहाडे नालों विछड़ के जिंदगी जूनी, तुहाडे नालों टुट जाना सब तो वड्डा दुख है, सब तो वड्डा कष्ट है। जन अपने की राखै, अपने सेवक दी रखदे ने, रखिया करदे ने। जय जयकार होत जग भीतर, दुनिया ते जय जयकार हुंदी है, लोग चंगा कहिंदे हन, वडियाई करदे हन, पर कदों? शब्द गुरु रस चाखै, जदों शब्द गुरु दे रस नूं चख लैंदा है सेवक, शब्द गुरु दी विचार जिंदगी दा आधार बनाई दिंदा है सेवक, उह संसार ते चंगे काम करदा है, जीवन खूबसूरत बन जांदा है। जो जाना भजन करे प्रभ तेरा, हे प्रभु जी, जेड़े सेवक जेड़े जन तुहाडा भजन करदे ने ना, जेड़े सेवक ने तुहाडा भजन कीता है, तुहाडी बंदगी कीती है, तुहाडे गुण ग्रहण कीते ने, उन्हां दे जीवन च फिर तब्दीली की आउंदी है? आ आउंदी है।
जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेशा नहीं। अंदेशा कहते फिक्र नू, चिंता नू, उन्हां दी जिंदगी विच्चों चिंतावां झोरे फिक्र मुक जांदे ने। क्या तू सोचै, क्या तू चितवै, क्या तू करै उपाय, ताको कहो परवा काहू की, जेह गोपाल सहाए। की सोचदा है, की चितवदा है, की पासे पासे उपराले करदा फिरदा है। जेड़ा एक बार रब दा गुरु दा आसरा तक लैंदा उनू फिर किसे दी मोहताजी नहीं रहिंदी, वो किसे दे अधीन होके जिंदगी नहीं जिउंदा, वो बेपरवाह होके जिंदगी जिउंदा है। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेशा नहीं, सतगुर चरण लगे भौ मिटिया। भौ डारी ते है जिहड़ा थां थां सानू झुकाई जांदा है, डारी ते है ताई ते झुकदे, जे इत्थे ना झुके ते पता नहीं की हो जाना। फलाने पीर अगे सिर ना चुकाया, गड्डी ना मुद्दी कर देवे किते, सड़कां दे कंढ्यां ते पीरां दीआं कबरां बणियां हुंदियां ने ना, उन्हें डर पाया जे इत्थे मत्था टेक के ना ना गए तुहाडी गड्डी पलट जानी है। तो डारी ते है वी मैं अपने टब्बर समेत जा रहा किते फकर गड्डी ना मुद्दी कर दे, अर्थ फिर वह फकर कादा होया जिहड़ा तुहाडियां इसे गल ते गड्डियां मुद्दियां करदा वी झुके जा मेरे अगे, मेरे अगे सिर चुका। फिर तो वह तानाशाही करदा होया ना, फिर तो फतवे जारी करता होया ना, मेरे अगे सिर झुका ता ही नहीं तो मैं तेरी गड्डी मूंदी कर दी, तेरा एक्सीडेंट कर देना। लोग चुकाई जाते हैं हाथ जोड़ते, साडा सफर ठीक ठाक हो जी, साडी गड्डी पेंचर ना हो, गड्डी खराब ना हो। कभी सोच के वेखो कितों के कितने आण खलोते हाँ असी। जिहड़ा असली डर सी विशे वकार बाणी का बचन पढ़ के वेखो, जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिन का भौ सब गवासी। सारे भौ गवा जाते हैं उन्होंने जेड़े निरभौ नाल जुड़ जाते हैं। सतगुरु चरण लगे भौ मिटिया, उन्हों का भौ मिट गया, वह नहीं डरते भी शनिवार आ ना किता हो जाएगा, वीरवार आ ना किता आ हो जाएगा, ऐतवार आ ना किता आ हो जाएगा। कादा डर, जदों वड्डे नाल प्रीत पै गई है, वड्डे नाल प्रेम पै गया, फिर मैं दिना वारा ते की विचार करा। समझ आ गई, सतगुर चरण लगे भौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही। ओ हरी दे गुण मन माही मन विच सदा गाउंदे रहिंदे ने, मन अडोल रहिंदा है। सुख सहज आनंद कनेरे, जिंदगी च सुख आ गया, सहज अवस्था आ गई, आनंद जीवन च भर गया। सतगुर दिया दिलासा, गुरु ने थापड़ा दे दिता, दिलासा दिता, भलिया ना डर ना, थां थां ते सिर चका, सिर केवल एक अगे चका, एक दी इबादत करे, दिलासा गुरु ने दिता। सतगुर दिया दिलासा, हुण की होया, जिन घर आए, जिन दा अर्थ हुंदा जितना, हुण मैं अपनी जिंदगी दे इस बाजी नूं जित लिया है। जिन घर आए शोभा सेती, कह लगे जित के अपने जीवन नूं अपने अंतर आत्मे आणके टिक गया हां, पूरन होई आसा, जीवन की आस पूरी हो गई, जीवन कामयाब हो गया, जीवन दे विच सफलता प्राप्त होई, क्योंकि दिलासा जो गुरु ने दिता सी, जीवन दे विच विचार जो गुरु ने पा दिते सन। ते किड़ी कमाल की गल, अखीरले बंद विच जिस गुरु दे राही जीवन च तब्दीली आई, उहदे बारे विश्वास पक्का कीता है, पूरा गुरु पूरी मत जाकी, पूरन प्रभ के कामा। कहिंदे ओ गुरु पूरा है, अधूरा नहीं, पूरा गुर पूरी मत जाकी। मत दा अर्थ है सिखिया, जिथे गुरु आप पूरा, ओदी जिहड़ी सिखिया है ना उपदेश, ओदे विच उकाई कोई नहीं, ऊणताई कोई नहीं, वह भी पूरी है। सिखिया के उपर तुर बहुत वधिया जीवन बन जाएगा। पूरन प्रभ के कामा, जिस सिखिया नू जीवन का आधार बना लवेगा, परमात्मा के नाम जपन वाला कम, परमात्मा के रस्ते ते तुरन वाला कम,
पूरा हो जाएगा, क्योंकि यह केवल गुरु करवा सकता है। गुरु दे राही इस गल की समझ आनी है। सतगुर विटों वारे आ जित मिले कसम संभाले आ। गुरु जी तो कुर्बान जाना महाराज कहते ने। जिस गुरु ने मैनू खसम की संभाल करनी सिखाई है। सतगुर विटों वारे आ जित मिले कसम संभाले आ। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। ज्ञान का अंजन मेरी सुरत रूपी अख च पा दिता, क्योंकि लोयन सुरत करे आ ना, सुरत रूपी अखां विच ज्ञान का सुरमा पा दिता। हुण सुरत विच ज्ञान आ गया तो समझ आ गई। लोयन सुरत करे सुरत रूपी अख विच ज्ञान का सुरमा जदों टिकया, इन अखां नाल फिर संसार नूं ध्यान नाल वेखिया है। ज्ञान अंजना सतगुर दिया इनी नेत्री जगत निहालिया। इन्हां नेत्रां नाल, इन्हां अखां नाल नहीं, सुरत रूपी अखां नाल, सुरत नाल ध्यान नाल वेखिया दुनिया नूं। की वेखिया? खसम छोड़ ये वेखिया। खसम छोड़ दूजे लगे, जेड़े जेड़े भी खसम नूं छड़ के दूजे नाल लगे ने, डुबे सेवन जा रहे आ, वो डुब गए। सतगुरु है बोहे था, गुरु जहाज है। सतगुरु है बोहे था विरला किने विचारे आ। कर कृपा पार उतारे आ। कृपा करके पार कर दिता, विषयां वकारां वाले जीवन चो मुक्त करा दिता। गुरु पूरा है। अखीर च महाराज कहते गुर चरणी लाग तरयो भव सागर। गुरु के चरणों नाल लग के भव सागर, भव दा अर्थ है डर, डर दा सागर। दुनियावी डरां तो मुक्त हो गया गुरु के चरणों नाल लग के। जप नानक हर हर नामा। गुरु नानक साहब जी कहते ने धन गुरु अर्जन साहब के रूप में आख भाई कि परमात्मा जी तुहाडा नाम जप के तुहाडे गुण ग्रहण करके मैं विषयां वकारां तो बच गया हाँ, इस करके मैं तुहानू ही अपना ओट आसरा बनाया है। आओ भागां वाले हो, अपना करता केवल अकाल पुरख परमात्मा नू बनाई है, उहदे चरणी लगीए, उहदे अगे अरदास करिए। आओ एक बार दोहरा लईए, साडा करता अकाल पुरख परमेश्वर है, उह ही जजमान है, उहदे कोलों ही असीं मंगणा है, उहदे अगे सिर चुकाउणा है। तू मेरा जजमान करता, तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान करता, तू मेरा जजमान। एक दखना हो तै पै मांगो, एक दखना हो तै पै मांगो, दे अपना नाम करता, तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान करता, तू मेरा जजमान। सतगुरु जी कृपा करन, गुरु दे उपदेश द्वारा असी भरोसा एक ते रख सकीए। किसी ही कोई कोए मंज नमाणी, एक तू एक ते विश्वास आ जाए, एक नू अपनी जिंदगी दा आधार बना सकीए। चार दिन गुरु शब्द दी विचार करदिया होया, बहुत पुल्लां होईयां होणगियां मेरियां, समझ के चोली च पा देना। कोटान कोट शुकराना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, ते बहुत बहुत धन्नवाद समुची संगत, मीडिया वाले वीरां दा, ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, समुची संगत दा, समुची कमेटी दा धन्नवाद। इन्हां मीडिया वाले वीरां दा धन्नवाद जिन्हां राहीं इत्थों गुरबाणी दा पाठ कीर्तन विचारां घरां विच बैठी संगत सरवण करदी है। आओ एक दे विश्वास रख के अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउण दा यतन करिए। फतेह बुलाओ, आखो जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕੌਮ ਕਾ।